हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मृत्युंजय और आप देख रहे हैं टैलेंट इंडिया सेल्फ रन। हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ जागरूक भरी चीज़ें बताने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, सभी लोग अभी आज के टाइम में तो सोशल मीडिया का यूज़ करते ही करते हैं। हाँ, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ऐसे बहुत सारे साइट हैं जिनका हम बेझिझक यूज़ करते हैं बिना किसी परिणाम को जाने हुए। तो आज एक मैं ऐसा ही कुछ एक आपके सामने उदाहरण लेके आया हूँ, एक ऐसा घटना लेके आया हूँ जो कि बेंगलुरु में हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि इस घटना से आप लोग भी कुछ सीखें। दोस्तों, एक वहाँ पर स्कूल था जिसमें स्कूल नहीं कह सकते हैं, उसके कॉलेज कह सकते हैं, 21 साल का बच्चा था जो कि पढ़ता था, और उसके साथ में ही रहने वाला एक दोस्त था। तो सबसे पहले उससे उसकी बातचीत होती थी। जब उसको पता लग गया कि उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितना पैसा वाला फैमिली है, तो उसके बाद उसका काम शुरू हुआ। उसने क्या किया कि एक इंस्टाग्राम पे एक अपना आईडी बनाता है, और वहाँ पर सबसे पहले वो अपना एक लड़की का प्रोफाइल बनाकर उस लड़के से दोस्ती करता है। दोस्ती करने के बाद क्या होता है कि काफ़ी उनमें बातें होना स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे टाइम बीतता है, एक समय के बाद ऐसा होता है कि जिस आईडी का वो यूज़ करता है लड़का लड़की बनके, उस लड़का से अश्लील भरी बातें करना स्टार्ट कर देता है, और उससे मतलब गंदी गंदी बातें करना स्टार्ट कर देता है। और एक ह्यूमन नेचर में जब उस टाइप के होते हैं तो कुछ कह नहीं सकते किस तरीके की मानसिकता वाले भी लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों पे ये सारी चीज़ें बातें करते हैं। फिर बात जैसे जैसे बढ़ती गई, उस लड़की ने मतलब उस लड़का ने जिसने ये आईडी बनाया था लड़की के वेश में, उस लड़के से एक न्यूड भरा पिक्चर मंगवाता है। उससे न्यूड भरा पिक्चर दो तीन मंगवाता है अपने जो भी आईडी है उसके थ्रू। वो लड़का उसको न्यूड भरा इमेज भेजता है। उसके बाद कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो एक नया आईडी और बनाता है एक दूसरे लड़के के नाम से, और उस सोशल साइट पे उससे फिर जुड़ता है, और फिर वहाँ से ब्लैकमेलिंग का केस शुरू हो जाता है। वो हर बार उस लड़के से एक डिमांड करता है कि मुझे इतना रुपए चाहिए, नहीं तो मैं ये पिक्चर वायरल कर दूंगा, ये पिक्चर मैं दूसरे नेटवर्क साइट पे भी शेयर कर दूंगा, और उसके बाद तो आपको पता ही है कि उसके बाद क्या होगा। तो वो लड़का एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे करते करते वो करीबन 6 से 7 लाख रुपए उस लड़के को दे देता है, सिर्फ इस डर से कि वो मेरा जो फोटो है वो वायरल ना कर दे। उस लड़के को भी ये नहीं पता होता है कि उस पिक्चर को उसे कैसे मिला जो कि उसने वो लड़की को भेजा था। फिर जब बहुत ज़्यादा चोरियां होने लगी घर में, उसने अपने घर से पैसे चुराए, उसने अपने घर से जो भी आभूषण कह सकते हैं, ज्वेलरी कह सकते हैं, उसने चुराया। उसके बाद जब घर में इस बात का पता चला कि उनके घर से ज्वेलरी चोरी हुई, तो ये बात वहाँ के जो भी आसपास के थाना था वहाँ पहुँचा। पुलिस ने तहकीकात शुरू किया, और तहकीकात के बाद ये पता चला कि ये चोरी उनका ही घर का जो लड़का है वो कर रहा है। जब बात खुलकर आई तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि इस तरीके की बात आई। पुलिस ने फिर उस बंदे को जो उसके साथ पढ़ता था, जिसने पहले लड़की का एक प्रोफाइल बनाया, उसके बाद उसने एक दूसरे लड़के का प्रोफाइल बनाया, और वहाँ से वो ठगी का काम शुरू किया। फिलहाल उसे पकड़ लिया है पुलिस ने, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आप जो सोशल साइट का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है जो सोशल साइट पे है वो सारे के सारे लोग जेन्युइन हैं। सोशल साइट पे 30-50% फेक होते हैं जो कि सिर्फ इन्हीं तरीकों के हथकंडे अपनाते हैं और आपको कहीं ना कहीं लॉस पहुंचाते हैं। वो आज पहुँचाएँ या 1 साल के बाद पहुँचाएँ, आप उनका टारगेट आप ही होते हैं जो जेन्युइन बंदे होते हैं वहाँ पे।
तो काफ़ी संभल के रहना चाहिए सोशल साइट पे, कोई भी ऐसा मीडिया हो आपका या किसी तरीके का डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी हो आपका, शेयर ना करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।